लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने दुष्यंत दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जींद के उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन चौटाला परिवार में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसमें अब इनेलो के जो युवा नेता है अर्जुन चौटाला, उन्होंने दुष्यंत पर एक बड़ा आरोप लगाया है। अर्जुन जी, आपने जो है वो एक दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए ये कह रही हैं कि अगर कोई बुजुर्ग जेजेपी का साथ ना दे तो उसको 2-3 दिन के लिए रोटी ना दे, इसका क्या आधार है अर्जुन जी आपके इस आरोप का? देखिए जी, सबसे पहले देश के और हरियाणा के कई अखबारों में ये आर्टिकल आया है, जो मैं अपने हाथ में है वो उस आर्टिकल की कॉपी है। साथ ही साथ हमारे कई साथियों ने इनके भाषण की ये वीडियो बनाई है, इसी वजह से आज हम घर घर जाके ये बात कह रहे हैं भाई इन्होंने 3 परिवार तोड़ने का काम करा है। सबसे पहले ताऊ देवीलाल जी के परिवार INLD को फाड़ने का काम करा, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को फाड़ने का काम करा, अब ये घर घर लोगों को ये सीख देने का काम करे कि आप भी अपने परिवार को फाड़ो। हमने हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है, हमारे इतिहास ये है, हमारी संस्कृति ये है, लेकिन आज ये लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि आप अपने बुजुर्गों का अपमान कीजिए, आप उनको रोटी ना दीजिए। और इसकी जो वीडियो है वो जल्दी आपको हमारे पेज पे भी मिलेगी और हम इसे इंटरनेट पे वायरल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो आर्टिकल है वो मेरे हाथ में है, वो अखबार मेरे हाथ में है। दुष्यंत चौटाला है वो ये तलोड़ा गांव में ये कह रही है, उन्होंने तलोड़ा गांव में 22 तारीख को ये बात कही थी। हाँ जी, इसके अलावा जो है वो दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेजेपी की जो बढ़त है, जेजेपी जो मजबूत हो रही है, उससे घबराहट में इनेलो ने अपना जो उनका गठबंधन का उम्मीदवार है वो कमजोर है, इसी के चलते परिवार को अब जो है वो सड़क पर ले आए हैं। ये जेजेपी एक जमा झूठी पार्टी है, इनका जितना भी बेस है ये सब झूठ पे बना है, और आज जब लोगों को सच पता चल रहा है और इनका जो वोट बेस है, जो इनका सपोर्ट बेस है वो कहीं ना कहीं कम होता है उनको दिख रहा है, तो ये आज बुखला रहे हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप देखना जैसे जैसे इनका सपोर्ट और कम होता जाएगा, लोग जैसे जैसे जिस प्रकार से अपने घरों से इनके झंडे उठा उठा के फेंक रहे हैं, आप ये मान करके चलिए 28 तारीख से पहले ये पक्का कोई ना कोई बड़ी उल्टी हरकत करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, जेजेपी के दोनों नेताओं को, दुष्यंत दिग्विजय को अर्जुन चौटाला या करण चौटाला की परिवार के मसले पर जो उनके आरोप हैं और जो आपके आरोप हैं उसके ऊपर क्या आमने सामने बहस करने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपस में पारिवारिक जो मसला है उसको आप चारों भाई बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं? मैंने तो खुल के कहा है और मैं आपको भी ये बात कहता हूँ, आप जरा उनको बोलिए तो सेम से अगर वो आ सके, अगर आप उनको और हमको एक कमरे में ला सके तो आप अपने कैमरे भी लाइए, वहीं आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा, ये लोग तो हमसे नजर तक नहीं मिला सकते। अर्जुन चौटाला हैं, जो आरोप प्रत्यारोप चौटाला परिवार में शुरू हुआ है उसमें एक और जो आरोप है वो नया शामिल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ पवन सिंह, जनता टीवी जींद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।